हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट रीड करेंगे, ओके, जो कि पेज नंबर 4 में है। सो ओपन पेज नंबर 4। यस, फर्स्ट वी रीड चैप्टर नेम, ओके। सो वॉच केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम स्पेलिंग बाय स्पेलिंग रीड करेंगे ताकि आप लोगों का जो रीडिंग स्किल है वो भी बेटर हो सके, राइट? सो वॉच केयरफुली। टी एच ई द एम ए जी आई सी मैजिक जी ए आर डी ई एन गार्डन, ओके। द मैजिक गार्डन, मैजिक मीन्स होता है जादुई और गार्डन मीन्स होता है बगीचा, जादुई बगीचा, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर, वॉच केयरफुली। टी एच ई द एम ए जी आई सी मैजिक जी ए आर डी ई एन गार्डन डब्ल्यू ए एस वॉज आई एन इन अ एस सी एच ओ ओ एल स्कूल पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी प्ले ग्राउंड, ओके। प्ले ग्राउंड मीन्स होता है खेल का मैदान। रीड अगेन, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड, ओके। दैट मीन्स मैजिक गार्डन, जादुई बगीचा, स्कूल के प्ले ग्राउंड में था या स्कूल के खेल के मैदान में था, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आई टी इट वॉज वी ई आर वाई वेरी पी आर ई टी टी वाई प्रिटी, प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, इट वॉज वेरी प्रिटी, यह बहुत सुंदर था, क्या? मैजिक गार्डन, ओके। नेक्स्ट, एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस सनफ्लावर्स ए एन डी एंड आर ओ एस ई एस रोजेस एस टी ओ ओ डी स्टूड एच आई जी एच हाई ए जी ए आई एन एस टी अगेंस्ट टी एच ई द डब्ल्यू ए एल एल वॉल, वॉल मीन्स होता है दीवार, ठीक है। रीड अगेन, सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, ओके। सनफ्लावर्स एंड रोजेस, ठीक है, दीवार से बिल्कुल लगे हुए, ठीक है, खड़े थे, राइट? या दीवार से बिल्कुल चिपक कर खड़े थे, या दीवार से बिल्कुल लगे हुए खड़े थे। कौन कौन से फूल? सनफ्लावर्स एंड रोजेस। नेक्स्ट, टी एच ई आर ई देयर डब्ल्यू ई आर ई वर, ओके, डब्ल्यू ई आर ई वर ए एल एस ओ ऑल्सो एम ए आर आई जी ओ एल डी एस मैरी गोल्ड्स पी ओ पी पी आई ई एस पॉपीज ए एन डी एंड पी ए एन एस आई ई एस पेंसिस, ओके। रीड अगेन, देयर वर ऑल्सो मैरी गोल्ड्स पॉपीज एंड पेंसिस, ओके। बगीचे में मैरी गोल्ड और मैरी गोल्ड पॉपीज और पेंसिस के भी फ्लावर्स थे, होल थे, ओके। नेक्स्ट, टी एच ई द एस यू एन सी एच आई एन ई सनशाइन, ओके, एस यू एन एस एच आई एन ई सनशाइन, सनशाइन मीन्स क्या होता है? सूरज की रोशनी या धूप। एफ ई एल एल फेल, फेल मीन्स गिरना होता है। ओ एन ऑन टी एच आई एस दिस जी ए आर डी ई एन गार्डन, ओके। एम ओ आर ई मोर, एम ओ आर ई मोर, मोर मीन्स अधिक या सबसे ज़्यादा। टी एच ए एन देन ओ एन ऑन ए एन वाई एनी
OTHER अदर, ठीक है, ANDE एंड THE द FLOWERS फ्लावर्स, DANCED डांस्ड, ठीक है, ANDE एंड SANG सेंग, HAPPILY हैप्पी, ओके, रीड अगेन, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सेंग हैप्पीली, ओके, दैट मीन्स द सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी, दैट मीन्स धूप, फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर, दैट मीन्स सूरज की रोशनी इस गार्डन में और जगहों की तुलना में सबसे अधिक पड़ती थी, ठीक है, एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सेंग हैप्पीली, और फ्लावर्स खुश होकर सिंगिंग करते थे और डांस करते थे, राइट, यानी कि सूरज की रोशनी इस बगीचे में सबसे अधिक पड़ती थी, सबसे ज़्यादा पड़ती थी, सबसे ज़्यादा समय तक पड़ती थी, इसलिए फ्लावर्स और सॉरी इसलिए फ्लावर्स खुश होकर झूमते थे, नाचते थे और गाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, THEY दे SAID सैड, TO2 ONE ANOTHER एनोदर, वे एक दूसरे से कहते थे क्या, WEVHAVEHAVE हैव HUNDREDS हंड्रेड्स OF ऑफ LITTLE लिटल, लिटल मीन्स होता है छोटे या छोटा, GARDENERS गार्डनर्स, गार्डनर्स मीन्स होता है बगीचे की देखभाल करने वाला या माली, इसको माली कहते हैं, ठीक है। दे सैड टू वन एनोदर, वे एक दूसरे से कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटल गार्डनर्स, ठीक है, कि हमारे पास 100 छोटे छोटे गार्डनर्स हैं या माली हैं, कौन कहते थे, फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट, THEY दे WERE वर THE द CHILDREN चिल्ड्रन FROM फ्रॉम THE द SCHOOL स्कूल, रीड अगेन, दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, वे माली कौन थे, स्कूल के बच्चे थे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ONE SUNNY सनी, MORNING मॉर्निंग, ओके, सनी मॉर्निंग, सनी मॉर्निंग का मतलब होता है कि ऐसी मॉर्निंग, ठीक है, जिसमें धूप खिला हो, राइट, THE द FLOWERS फ्लावर्स, WERE वर TALKING टॉकिंग, ओके, TALKING टॉकिंग मीन्स बातचीत करना, TO2 THE द BIRDS बर्ड्स, ओके, रीड अगेन, वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, ठीक है, एक सनी मॉर्निंग में, ठीक है, सनी मॉर्निंग मीन्स होता है कि ऐसी मॉर्निंग जिसमें धूप खिला हो, ठीक है, धूप हुआ हो, राइट, तो उसको सनी मॉर्निंग कहते हैं, राइट, तो एक सनी मॉर्निंग में या एक दिन फ्लावर्स एंड यानी कि फूल और बर्ड्स यानी कि चिड़िया आपस में टॉकिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, राइट। नेक्स्ट, ILOVE लव, ALL ऑल, ऑल मीन्स सभी या पूरे, THE द CHILDREN चिल्ड्रन, BUT बट, आई लव THE द DEAR डियर,
डियर मीन्स होता है सबसे अच्छा या प्रिय। एल आई टी टी एल ई लिटल, ओ एन ई एस वंस, एम ओ एस टी मोस्ट, ओ एफ ऑफ ऑल, एस ए आई डी सैड, अ पी ओ पी पी वाई पॉपी। ओके रीड अगेन। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सैड अ पॉपी। ठीक है, जो पॉपी फ्लावर था उसने कहा कि मुझे सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, ओके, बट आई लव द डियर लिटल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन उनमें से मैं उनको सबसे अधिक, यानी कि उन छोटे बच्चों को मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। किनको? आगे पढ़ेंगे। आई एल आई के ई लाइक, टी एच ई एम देम, टी ओ टू, बी आर आई एन जी ब्रिंग, टी एच ई आई आर देयर, ओके, डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी वॉटरिंग वॉटरिंग, ओके, सी ए एन एस केन्स, केन्स मीन्स डिब्बा होता है, ए एन डी एंड, डब्ल्यू ए टी ई आर वॉटर, एम वाई माई, टी एच आई आर एस टी वाई थर्स्टी मीन्स प्यासी, आर ओ ओ टी एस रूट्स, रूट्स मीन्स होता है जड़, ओके, पेड़ पौधों के जड़, उसको रूट्स कहते हैं, राइट। रीड अगेन। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। ठीक है, मुझे वो बच्चे सबसे अच्छे लगते हैं, ठीक है, जो मेरे प्यासे जड़ में, रूट्स में पानी डालते हैं, ठीक है, वाटर लाकर डालते हैं, इसलिए वो बच्चे मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, राइट। नेक्स्ट, यस, वाई ई एस, यस, वाई ई एस, यस, एस ए आई डी सैड द मैरी गोल्ड्स, एम ए आर आई जी ओ एल डी एस मैरी गोल्ड्स, टी एच ई द बी ओ वाई एस बॉयज, ए आर ई आर जी ओ ओ डी गुड, टी ओ टू यू एस अस, टी ओ ओ टू, टी ओ ओ टू, टू मीन्स होता है भी, इसका मतलब भी होता है, ठीक है। रीड अगेन। यस, सैड द मैरी गोल्ड्स, द बॉयज आर गुड टू अस टू, ठीक है, मैरी गोल्ड ने कहा, हाँ, बॉयज भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, बॉयज मीन्स लड़के, ठीक है। नेक्स्ट, टी एच ई वाई दे, डी आई जी डिग, डिग मीन्स होता है खोदना, जमीन को खोदना, ठीक है, टी एच ई द जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है जमीन, ठीक है, एस ओ सो डब्ल्यू ई एल एल वेल, यानी कि ठीक तरह से, सो वेल मीन्स होता है ठीक तरह से, ठीक है, दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वे ग्राउंड को अच्छी तरह से खोदते हैं, इसलिए बॉयज हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। किसने कहा ये? मैरी गोल्ड ने, ओके। नेक्स्ट, या डब्ल्यू ई वी एल ओ वी ई लव, टी एच ई द एल आई टी टी एल ई लिटल, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, एस ए आई डी सैड अ टी आई एन वाई टाइनी, बी आई आर डी बर्ड, टाइनी मीन्स होता है सबसे छोटा या छोटी, बर्ड मीन्स चिड़िया, ओके, वी लव द लिटल चिल्ड्रन सैड अ टाइनी बर्ड, एक छोटी चिड़िया ने कहा, वी लव द लिटल चिल्ड्रन कि हमें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ठीक है। टी एच ई वाई दे ए आर ई आर के आई एन डी काइंड, ए एन डी एंड, टी एच ई वाई दे, बी आर आई एन जी ब्रिंग, बी आर ई ए डी ब्रेड, बी आर ई ए डी ब्रेड, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, एफ ओ आर फॉर, यू एस अस, अस मीन्स
फॉर अस मीन्स हमारे लिए, ठीक है। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, ठीक है। वे बहुत अच्छे हैं, दयालु हैं, हमारे लिए ब्रेड लेकर आते हैं। किसने कहा? टाइनी बर्ड ने, छोटी चिड़िया ने कहा कि छोटे बच्चे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, हम उनको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं, हमारे लिए ब्रेड लेकर आते हैं, रोटी लेकर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए एल एल ऑल, टी एच ई द, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, फ्लावर्स, एस ए आई सैड, ऑल द फ्लावर्स सैड, सभी फूलों ने कहा। डब्ल्यू ई वी एम यू एस टी, मस्ट, मस्ट मीन्स चाहिए, डब्ल्यू ओ आर के वर्क, एच ए आर डी हार्ड, टी ओ टू एम ए के ई मेक, ओ यू आर आवर, डी आर ई एस एस ई एस ड्रेसेस, वी ई आर वाई वेरी, वेरी मीन्स बहुत, पी आर ई टी टी वाई प्रिटी, प्रिटी मीन्स सुंदर, एफ ओ आर फॉर, टी एच ई द, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, डब्ल्यू आई एल एल विल, बी ई बी एच ई आर ई हियर, एस ओ ओ एन सून, ओके। रीड अगेन, ऑल द फ्लावर्स सैड, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। दैट मीन्स सभी फूल कहते हैं हमने जो ड्रेस पहनी है उसे सुंदर बनाने में कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि बच्चे अभी आने ही वाले होंगे, ठीक है। सभी फ्लावर्स आपस में बातचीत कर रहे थे कि जो ड्रेस हमने पहनी है, ठीक है, उसको हमें और अधिक सुंदर बनाना चाहिए, राइट, क्योंकि बच्चे अभी आने वाले होंगे, राइट, बच्चे अभी आने वाले होंगे, इससे पहले हमने जो ड्रेसेस पहनी हैं उनको और अधिक सुंदर बनाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, टी एच ई द, एस यू एन सन, एस ए आई डी सैड, द सन सैड, सूरज ने कहा, सन ने कहा, आई डब्ल्यू आई एल एल विल, एच ई एल पी हेल्प, Y O U U A L S O also, also means भी होता है, ठीक है। F O R for, N O T H I N G nothing, P L E A S E S pleases, M E me, B E T T E R better, T H A N then, T O 2 S E E C, T H E the, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, आर यू एन एन आई एन जी रनिंग, ए बी ओ यू टी अबाउट, आई एन इन, टी एच ई द, जी ओ एल डी ई एन गोल्डन, एस यू एन एस एच आई एन ई सनशाइन, ओके। रीड अगेन, द सन सैड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लीजेस मी better than to see the children running about in the golden sunshine. Golden means होता है सुनहरा, sunshine means सूरज की रोशनी या धूप, running means होता है दौड़ना, okay? That means सूरज ने कहा मैं भी आपकी सहायता करूँगा या help करूँगा, ठीक है, मुझे यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता होती है, ठीक है, या खुशी होती है जब बच्चे धूप में खुश होकर रनिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एस यू डी डी ई एन एल वाई, सडनली मीन्स अचानक होता है, टी एच ई द, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, सी ए एम ई केम, ओ यू टी आउट, L A U G H I N G laughing, laughing means होता है हंसना, ठीक है, A N D and S I N G I N G singing, गीत गाते हुए, ठीक है, A N D and
THE FLOWERS फ्लावर्स STOPPED स्टॉप्ड मीन्स रुक गए, ठीक है स्टॉप्ड। THEIR देयर SONGS सॉन्ग्स TO2 LISTEN लिसन LISTEN लिसन मीन्स सुनना होता है। TO2 THEM देम देम मीन्स उनको। ओके रीड अगेन। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लॉफिंग एंड सिंगिंग, अचानक बच्चे हंसते हुए और गाते हुए आए, कहाँ आए बगीचे में, ठीक है। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम, और फ्लावर्स ने सिंगिंग करना बंद कर दिया, किस लिए बच्चों को सुनने के लिए, क्योंकि बच्चे अब गार्डन में आ गए थे लॉफिंग करते हुए सिंगिंग करते हुए, ठीक है। तो फ्लावर्स ने जितने भी फूल थे उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया था, ठीक है, क्यों बच्चों को सुनने के लिए, राइट। नेक्स्ट ओह मीन्स अरे। LOO के लुक ATAT THE द TALL टॉल मीन्स लंबा होता है। SUNFLOWER सनफ्लावर। SAID सैड। ONE CHILD चाइल्ड। ANDE एंड THE द SUNFLOWER सनफ्लावर। LIFTED लिफ्टेड। ITS इट्स। HEAD हैड। VERY वेरी वेरी मीन्स होता है बहुत। हैड मीन्स सिर होता है। लिफ्टेड मीन्स होता है ऊपर उठा लिया, ठीक है। प्राउडली PROUDLY प्राउडली। प्राउडली का मतलब होता है गर्व से या प्रसन्नता से या खुश होकर, ठीक है। रीड अगेन। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सैड वन चाइल्ड। ओके एक बच्चे ने कहा अरे इस सनफ्लावर्स को देखो, इस लंबे या टॉल सनफ्लावर को देखो। लुक मीन्स देखना होता है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और जब सनफ्लावर ने यहाँ सुना तब उसने अपने सिर को गर्व से और ऊंचा उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि बच्चे ने कहा था ना और बच्चों से कि इस लंबे सनफ्लावर को देखो, तो सनफ्लावर को बहुत अच्छा लगा, वहाँ बहुत खुश हो गया और गर्व से खुशी से उसने अपने सिर को और ऊपर उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट ANOTHER एनोदर मतलब दूसरा। CHILD चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड यूज करते हैं और बहुत बच्चों के लिए जो एक से ज़्यादा हैं उनके लिए चिल्ड्रन, ठीक है। तो CHILD चाइल्ड। ओके SAID सैड। दूसरे बच्चे ने कहा आई लव द मैरी गोल्ड MARIGOLD मैरी गोल्ड। इन इट्स ITS इट्स GOLDEN गोल्डन DRESS ड्रेस। ओके गोल्डन मीन्स सुनहरा, ड्रेस मीन्स ड्रेस, ठीक है। रीड अगेन। एनोदर चाइल्ड सैड। दूसरे बच्चे ने कहा आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, कि मुझे मैरी गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। किस वजह से? कि जो इसकी ड्रेस है वो किस कलर का है? सुनहरे कलर का है। बच्चों आपने देखा होगा जो मैरी गोल्ड का फ्लावर होता है, फूल होता है, वो गोल्डन कलर का होता है ना, ठीक है। तो उसी को ड्रेस कहा गया है कि मैरी गोल्ड ने गोल्डन कलर का ड्रेस पहने हुए है, ठीक है। तो दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे मैरी गोल्ड का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुनहरे रंग का होता है, राइट। THE द MARIGOLD मैरी गोल्ड। SMILED स्माइल्ड। स्माइल्ड मीन्स होता है मुस्कुराया। HAPPILY हैप्पीली खुश होकर। जब मैरी गोल्ड ने यहाँ सुना तब वहाँ खुश होकर उसने
स्माइल किया, वहाँ मुस्कुराने लगा। ठीक है, नेक्स्ट। या आई टी इट आई टी इट डब्ल्यू ए एस वॉज आई एन डी डबल ई डी इंडीड अ एम ए जी आई सी मैजिक गार्डन बी ई सी ए यू एस ई बिकॉज आई टी इट हैड एच ए डी हैड एफ ए आई आर आई ई एस फेरीज। फेरीज मीन्स होता है परियां, टी ओ ओ टू। यहाँ एक मैजिक गार्डन था क्योंकि इसमें परियां भी रहती थीं, इसमें परियां थीं। ठीक है, टी एच ई वाई दे डी ए एन सी ई डी डांस्ड ए एन डी एंड एस ए एन जी सेंग एस डब्ल्यू ई ई टी स्वीट एस ओ एन जी सॉन्ग्स। ओके, स्वीट सॉन्ग्स। डब्ल्यू एच आई सी एच विच जो कि ओ एन एल वाई ओनली विच मीन्स होता है जो कि ओ एन एल वाई ओनली टी एच ई द सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन सी ओ यू एल डी कुड एच ई ए आर हियर। ओके, रीड अगेन। दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। ठीक है, जो परियां थीं वो डांस करती थीं और स्वीट सॉन्ग गाती थीं, यानी कि अच्छी अच्छी गीत गाती थीं। ठीक है, जिसको केवल बच्चे ही सुन सकते थे। राइट, नेक्स्ट। ए एफ टी ई आर आफ्टर ए, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। ए टी आई एम ई टाइम टी एच ई द एफ ए आई आर आई ई एस फेरीज परियां सी ए एम ई केम आई ओ यू टी आउट डी ए एन एस आई एन जी डांसिंग एंड ए एन डी एंड टी ए एल के ई डी टॉक्ड टी ए एल के ई डी टॉक्ड डब्ल्यू आई टी एच विथ टी एच ई द सी एच आई एल डी आर ई एन सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन। रीड अगेन। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विथ द चिल्ड्रन। दैट मीन्स कुछ समय के बाद, ठीक है, परियां डांस करते हुए एंड टॉक करते हुए और बातें करते हुए बच्चों के साथ बाहर आए। ओके, उस बगीचे में कुछ समय के बाद जो उस बगीचे में जो परियां थीं, ठीक है, वो बच्चों के साथ झूमते हुए गाते हुए नाचते हुए और बातें करते हुए बच्चों के साथ बाहर आए। टी एच ई आई आर देयर डी आर ई एस एस ई एस ड्रेसेस डब्ल्यू ई आर ई वर। ओके, डब्ल्यू ई आर ई वर एम ए डी ई मेड एम ए डी ई मेड ओ एफ ऑफ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स ए एन डी एंड टी एच ई आई आर देयर डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स मीन्स पंख होता है ओ एफ ऑफ एस यू एन एस एच आई एन ई सनशाइन। सनशाइन मीन्स धूप या सूरज की रोशनी। ओके, रीड अगेन। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। ठीक है, जो परियां थीं उनकी जो ड्रेसेस थीं वो फ्लावर्स की बनी हुई थी, फूलों की बनी हुई थी। ठीक है, एंड जो उनके पंख थे, जो विंग्स थे, वो किसके थे? धूप के थे, धूप के बने हुए थे, धूप के थे। ठीक है, नेक्स्ट। टी एच ई द एम ए जी आई सी मैजिक
GARDEN गार्डन, WAS वॉज, QUIET क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपचाप, THAT दैट, NIGHT नाइट, दैट नाइट उस रात, उस रात मैजिक गाइड सॉरी मैजिक गार्डन में सन्नाटा फैला हुआ था। ठीक है, क्वाइट दैट नाइट मीन्स होता है कि उस रात सन्नाटा फैला हुआ था। ठीक है, कहाँ? मैजिक गार्डन में। क्यों? क्योंकि रात में तो बच्चे गार्डन में आते नहीं हैं। ठीक है, तो रात में गार्डन बिल्कुल सुनसान था, उसमें बच्चे नहीं थे। ठीक है, इसलिए वहाँ बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। THE द FLOWERS फ्लावर्स, AND एंड, BIRDS बर्ड्स, WERE वर, ASLEEP एस्लिप, AND एंड, DREA, MING ड्रीमिंग, OF ऑफ, द NEXT नेक्स्ट, DAY डे, WHEN वैन, द चिल्ड्रन वुड, WOULD वुड, COME कम, AGAIN अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, ड्रीमिंग मीन्स सपने देख रहे थे। ठीक है, रीड अगेन, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर एस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। ओके, दैट मीन्स द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर एस्लीप एंड ड्रीमिंग, यानी कि जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे एंड जो बर्ड्स थी यानी कि चिड़िया, ठीक है, वे सभी सो रही थी और सपने देख रही थी। ऑफ द नेक्स्ट डे अगले दिन की, व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, कि जब बच्चे दोबारे इस बगीचे में आएंगे। ठीक है, यानी कि उस रात मैजिक गार्डन बिल्कुल उस रात मैजिक गार्डन में बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। ठीक है, और फ्लावर्स एंड बर्ड्स सो रही थी और सपने देख रही थी अगले दिन की, कि अगले दिन बच्चे जो है फिर से इस गार्डन में आएंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार सेल्फ रीड कर लोगे। ओके,